हेलो बेटा, वेलकम टू द न्यू डे न्यू ब्लॉग। बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो। सही बोली, ऐसी बोलना है। वेलकम टू न्यू डे न्यू ब्लॉग। तो भाई ऑफ किए वही 9:15 में, 9:15 में ऑफ करके इधर निकल लिया था घर के लिए, और जस्ट अभी टाटा अराइव हुए हैं। देखते हैं अभी क्या प्रोग्राम बनता है। तो भाई आगे खाना पीना हो चुका है, और चावल दाल जो मिल गया लपेट लिया। भाई घर का खाना तो नसीब ही नहीं होता है। तो भाई अभी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद शाम में देखते हैं। तो भाई थोड़ा सा रेस्ट किया, ज़्यादा नहीं, बहुत कम ही रेस्ट कर पाया, क्योंकि सुरेंद्र भाई का पिताजी का थोड़ा सा तबीयत खराब है, तो थोड़ा उनको देख लेते हैं और देख के फिर वहाँ से गमरिया निकल जाएंगे। तो भाई ससुराल में जातून करने का मज़ा आता है। क्यों? क्योंकि भाई ब्रश व्रश तो लेके आते नहीं है, दातून मिलता है दतीन कर लेते हैं। सबका एंजॉय लेना चाहिए मनुष्य। देखिए मैं ससुराल में बैगन लगा हुआ, क्या बन रहा है। तो भाई मॉर्निंग का 8 बज रहा है और सुबह सुबह निकल गए हैं वहाँ से। 10:40 में गाड़ी है, पकड़िए फिर झारसुगुड़ा चला जाएगा, और 15 बजे के आसपास अवेलेबल है। देखिए 15:30 तक आएगा, 15:30 15:40 तक ड्यूटी में भी, शाम भी हो सकता है। तो अभी निकल चुके हैं और जाएंगे, देखते हैं थोड़ा सा दोस्त लोगों से मिलेंगे। दोस्त लोगों से यार मिलने का टाइम नहीं मिलता है। अभी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया था, थोड़ा सा पेट्रोल डलाया है। पिताजी की गाड़ी है, पुरानी है भाई, स्टार्ट जल्दी होती है। अभी ससुराल में तो कम से कम 15-20 किक मारे होंगे तब जाके स्टार्ट हुआ है, तो वो पेट्रोल भरना ज़रूरी है। अगर रुक गया तो फिर क्या करेंगे। तो अभी तो पेट्रोल भरा लिए, स्टार्ट होता है कि नहीं देखते हैं, स्टार्ट करके और पहुँचते वहीं मिलते हैं। तो पापा हमारे ट्रक ड्राइवर थे, तो पापा अपना किस्सा एक सुना रहे हैं, जिसमें सरदार लोग किस तरह से माओवादी लोग से पंगा लिया था, उसके बारे में बाबा आपको डिस्कस कर। क्या हुआ था बाबा, बताइए। मतलब हम गुवाहाटी गए थे, गुवाहाटी से जब आ रहे थे तो आने के टाइम में ऑनलाइन होटल में रुके, सरदार लोग रुका हुआ था। तो सरदार लोग को पूछे हम कितना लाइन में था, सब चले गए था। उसके बाद में वो लोग को पूछे कि हमको भी ले चलेगा साथ में, है ना। तो बोला नहीं नहीं, आप लोग जो है, आप लोग जैसे वो ये हमारा जो एरिया जब फ्लाइट एरिया पार होता तो आप लोग भाग जाते, ऐसे बोलने लगे। उसके बाद अरे भाई नहीं, हम पीछे रहेंगे। तो एक सरदार बुला रहे, अरे ले ले पुत्र को, उसको भी साथ में लेते चलो। हाँ हाँ, तो हम भी बोले नहीं भागेंगे हम। तो फिर आने लगे हम लोग, जैसे आने लगे तो रास्ता में जो है एक गाड़ी में मतलब फाला टान दिया, ऐसे टाना जो कि बांस में बांधा हुआ रहता। कैसे रहता फाला? फाला जो है जैसे जो पुआल काटने वाला जैसे रहता ना, जो कुल्हाड़ी जैसा, कुल्हाड़ी जैसे नहीं, कुल्हाड़ी का मुंह, वो कुल्हाड़ी का मुंह जैसा वो नहीं रहता, वो तो लोधा चुल्ली में कुल्हाड़ी का मुंह, ये जैसे धार टाइप का रहता, बांस में बांधा रहता बीच में फाड़ के। अच्छा। 3-4 आदमी मिलकर जैसे ऐसे घुसा देता और इस टाइप का टांगता है। अच्छा। तो टायर जो है ना 2 पीस हो जाता है। अच्छा। 2 पीस हो जाता, हो जाने के बाद वैसी एक गाड़ी का जो है हम लोग का आगे का गाड़ी का टांग दिया हम लोग, जैसे टांग दिया तो जैसे टाना जैसे रुका तो रुक गया। सब सरदार जितना भी गाड़ी सब जाके हम लोग मतलब मेन रोड को ब्लॉक कर दिया, रास्ता को रोक दिया। मैंने पहला गाड़ी में जो फाला लगा वही रोक दिया कि वो रोक दिया। उसका तो फट गया, उतना रोक दिया, फट गया। और सब जितना सरदार था सब तलवार ले लेके उतर गया, बोलता अब तुम लोग टायर बदली करो, कौन आ रहा है, कौन आएगा आज वो लोग के साथ में हो जाएगा। सब सरदार पिया खाया है, सबका गाड़ी में तरवाल है, सब ले लेकर आप कोई मतलब नक्सलाइट चोरवा लोग कोई नहीं आया, कोई सटे ही नहीं, सब तरवाल ले लेकर सब घूम रहा, सब हमको मेरे पास में भी आके बोला पुत्तर ठीक है ना, तो बोला
ठीक है, अब हम तो पीछे में है गाड़ी में, मेरा तो हालत खराब है ना, मेरा तो हालत खराब है। उसके बाद में आए फिर टायर चेंज किया गया, आगे बढ़ा, फिर टायर बदली हुआ, कम से कम 7-8 मिनट में चक्का बदली हो गया, पूरा सरदार लोग हल्ला मचा दिया। सरदार लोग बोलता जो बोले सुनिया और बोले तो उतर गया साहब, आ जाओ बोलता तुम लोग भी आ जाओ, घूमाते हैं निकल गए हैं टाटा से, लास्ट टाइम में एकदम गाड़ी पकड़ा है और देखते हैं जहाँ तो कूड़ा दोपहर में 3 बजे के बाद अवेलेबल है, इसलिए भाग के गिरते पड़ते आगे, और फिर दोस्त लोग के साथ थोड़ा देर गए थे कसूर नहीं कर पाए, सब दोस्त लोग परेशान हैं, कोई जॉब से कोई फैमिली से, बच्चे बड़े जाते हैं, दुनिया दुखों से भरा है, मेरे भाई हम अलग से पड़े, चलो ये दिन भी निकल जाएगा, ये दिन भी निकल जाएगा। तो भाई कुल मिला के बात ये है कि पूरा हालत बिगड़ गया आते आते, 5 घंटे का सफ़र यार, पाँव सब बैठ बैठ के पीछे भी पापा पापा चिल्लाने लगे। तो भाई पहुंच गया झसूबड़ा और टीओ मिल गया है 16:45 यानी कि शाम के 4:45 का, समलपुर मिला है स्टैंड बाय, अभी रूम जाना है, रूम में खाना पीना खाना है, इधर आराम से एक्मोडिटी करना, देखते क्या प्रोग्राम बनता है। तो भाई आ गए हैं रिलीफ यार्ड, रिलीफ यार्ड में सब रिलीफ होता है और हम लोग को गाड़ी चार्ज मिलता है, तो झांसूगुड़ा का 2 यार्ड, एक मेन यार्ड, एक रिलीफ यार्ड, तो रिलीफ यार्ड में अभी हम लोग को बुलाया है, गाड़ी आया नहीं है, गाड़ी है बीपीएसएल साइडिंग है, आज तक तो गए नहीं, असिस्टेंट से पूछे गया भाई, बोला हाँ गया, चलो गया एक भाई गया तो कोई टेंशन नहीं, एक ना के अला रोना चाहिए प्रॉपर साइडिंग है, वहाँ से एक गाड़ी मैं भी क्लियर करना, इसको पहुँचा के लोड और एक गाड़ी क्लियर करके लाना पड़ेगा। तो भाई आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं।